हाय गाइस, मैं हूं पालू और मैं आ चुका फिर से रेंज सिमुलेटर के एक नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने एक पिक के लिए फार्म भी बनाया था, वान बनाया था, बट उसके लिए बहुत सा सामान घट गया था तो उसको कंप्लीट नहीं किया था। आज मैं थोड़ा सा भटकने आया था, जैसे कि देख सकते हो मेरे पास था फाइंड एंड किल का मेरे पास टास्क था। उसी करते करते मुझे एक लोकेशन मिला जो कि अनदर एक कोई किसी का है रेंच, और यहाँ पे एक दादी में बैठा जिसके पास लिखा हुआ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट क्लीनिंग। और अरे पहले एक एक करके गए, हाँ क्लीनिंग करते हैं पहले। तो क्लीनिंग करने के लिए इसने बोला है कि ये सारे चीज मुझे क्लीन करना है तो इसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, तो फटाफट लग जाते हैं काम। ये ले भाई, फटाफट ये सब क्लीन कर देते हैं। एक मिनट, ओके ये सारे चीज का क्लीन करना पड़ेगा क्या? ले भाई पूरा क्लीन कर देता हूँ मैं, वो क्लीन करने में टाइम नहीं लगे इसीलिए फटाफट हम कर दे रहे। हो गया ओके। ट्रेस 19 मिन आइटम कर दिया। विंडमिल, ओ विंडमिल को भी इसको डिस्ट्रॉय करने बोला है इसने, चलो कर देते कोई बड़ी बात नहीं। राइट ओके, ये छोटा सा घर है, अंधेरा हो गया बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लेट्स गो फटाफट करते हैं। ये तोड़ दिया, छोड़ भाई तोड़ो। ओके तो ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया, टास्क हो जाएगा कंप्लीट मेरा। चलते हैं उस आदमी के पास, देखते हैं क्या बोलता है। अरे इसने मुर्गी का भी फार्म बनाया, मेरे को भी बनाना है, बट कोई बात नहीं। रात हो गई, इसने सोने के लिए जगह नहीं बनाया क्या? हम इसके यहाँ पे सो नहीं सकते क्या? ए, सोने के लिए जगह है क्या तेरे यहाँ पे? नहीं है, इसका रेंच में सोने का घर इसने बना के रखा है बट सोया नहीं। वैसे मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, मेरा घर यहाँ पे, मैं इसके रेंच पे आ गया हूँ, बट कोई बात नहीं। फिलहाल तो इसके पास से जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं। रात के अंधेरे में कैसे के अंदर घुस सकता हूँ? नहीं घुस सकते। ओके क्लीन कंप्लीट। अभी 300 रुपया दिया क्लीन करने का भाई, नाइस। ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट, क्या चाहिए इसको? एग डिलीवर्ड 6 और पॉक डिलीवर 2। तो पॉक चॉप इसको 2 चाहिए और एग डिलीवरी 6 चाहिए। ओके और इसको पॉक डिलीवर करना पड़ेगा। चलो तो हमने, मेरे पास है क्या? हाँ वाइल्ड मीट है, पॉक चॉप ने एक डिलीवर 6, अंडा 6 चाहिए इसको। तो चलो हम लोग घर चलते हैं और घर में हमारे पास अंडा है लेके आते हैं। पता नहीं कितना अंडा है मेरे पास, ज्यादा नहीं होगा बट जितना भी होगा लेके आते हैं। और मेरा घर यहाँ पे है तो हम लोग सीधा निकलेंगे। और हाँ, मुझे जो भी दिख रहा है जानवर मैं सबको मार दे रहा हूँ। वैसे मैंने एक भालू मारा है और एक अभी तक लोमड़ी मारा है, जिससे मेरे को मेरा 2 टास्क हो चुका है और मुझे मारना है फिलहाल अभी 3 और मारना है वाइल्ड वाले एनिमल जो कि खतरनाक होता है, भालू सियार जो भी है। सियार तो दिखता भी नहीं है, अचानक से हमला करता है भाई वो। चलो पहले तो सुबह करते जाके हम, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुका है। यह है मेरा रेंच, अभी मेरा भी रेंच खतरनाक नहीं है बट क्या कर सकते। ठीक है भाई कोई बात नहीं, सो के पहले दिन करता उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करना है। अरे पॉक चॉप के लिए तो मुझे एक मारना ही पड़ेगा ना, और मेरे पास अंडा कितना है? वही 10 अंडा है, मेरा काम हो जाएगा। लेट्स गो, 10 अंडा है तो काम तो हो ही जाएगा मेरा। तो अंडे को रखते हैं यहाँ पे। ओके 10 अंडा हो जाएगा बट इसके लिए मुझे एक पिग मारना पड़ेगा, और पिग को मारना मैं सोच रहा हूँ ठीक नहीं रहेगा। ए मर गया क्या ये सब? हाँ जिंदा है, जिंदा 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 है। ओके सब क्लीन कर देते हैं, आए तो क्लीन भी कर देते हैं। मेरे को नहीं लग रहा कि पिग को अभी मारना चाहिए, अगर पिग को मार दिए तो लफड़ा हो सकता है। वैसे ये दोबारा पिक देगा कि नहीं पता नहीं मुझे, बट एक फीमेल तो ये रहा और 1, 2, 3, 4 बच्चे हमारे पास है। तो फिलहाल मेरे पास कितना पैसा है? 750 है ना। एक काम करता हूँ मैं, रुक जा, एक को मार के बेच ही देता हूँ, पता नहीं मेरे को सही रहेगा कि नहीं पता नहीं, बट हाँ मैं मार रहा हूँ, सॉरी दोस्त। सेट 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 सेट। ओके फीमेल मारा ना मैंने, हाँ ठीक फीमेल मारा। और अरे कितने सारे पॉक चोप आ गए, चलो 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 अरे मोटा खाना खाओ तुम लोग। देखो मैं अपना सामान लेके आता हूँ, कुछ कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फाइनल इसको मार दिया मैंने, बट मारना चाहिए था कि नहीं, बट उसने बहुत सारा गिराया पॉक चॉप, इससे हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 और नहीं ले पा रहा हूँ मैं। हेलो अभी बेच, चलो मैं बेच के आता हूँ उसके बाद कुछ करते हैं, पहले इसको बेचना पड़ेगा हमें। चलो भाई बाकी अभी इसमें और भी सामान है, मेरे पास एक ही कूलर था और कूलर में ज़्यादा लेता नहीं है तो हमें बेचने जाना पड़ेगा। चल 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 चल, लेट मत कर, हमें जाना है बर्गर शॉप, चल सीधा चलते हैं। और बर्गर शॉप दूर भी नहीं है, सामने है तो काम हो जाएगा। और हमारे पास और एक काम करते रुक जा, उसके पास चलते, उसको कितना बीफ चाहिए उसको दे देते पहले पॉक चॉप, और बाकी मेरा काम तो हो ही जाएगा। लेट्स गो। और हाँ मुझे रास्ते में एक हनी भी दिखा था, बी भी दिखा था, बट मैंने उसको निकाला नहीं क्योंकि मेरे पास था नहीं वो चीज। ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। आज ये तोड़ पाता, मैं तोड़ भी तो नहीं पाता इन लोगों को। आ गया भाई तेरा सामान लेके आ गया, अंडा तेरा ब्रेकफास्ट लेके आ गया मैं। दादी अम्मा ये रहा, ओ 180 रुपया दिया। ओके इसने बोला है फॉक्स किल्ड करने बोला है तो निकालो। एक गया, अबे रिलोड नहीं था यार, इसका मुर्गी खा जाता है, नहीं लगा।
लो भाई मार दिया तेरा। इसका स्किन नहीं निकाल सकते हम? निकाल सकते हैं, लेट्स गो। इसका स्किन पहले बेचते हैं, मेरे पास खाली है जगह, पर देख लेता हूँ। उसका स्किन भी लेके उधर बेच देंगे ना। इसने तो कितना लिया था ना मेरे पॉक चॉप, तो खाली होगा मेरे पास। पहले पैसा ले लेते इससे। ओए 200 फिर से मिल गया, थैंक यू। महिला जी वेरी डेंजरस। पहले चलते वहां से मीट ले लेते हैं, हमारे पास कुछ मीट भी आ जाएगा। 3 मारे हैं फॉक्स मैंने। ओए मेरा वो भी टास्क कंप्लीट हो चुका है, लेट्स गो। ओके तो मैं और नहीं उठा सकता, लेट्स गो। इसको बेचना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और टास्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अब हम लोग हंटर के पास जाके उससे ले सकते हैं, लेट्स गो। पीला पीला वहां पे दिख रहा है, इतना दूर है वे, 500 किलोमीटर दूर है। चलो पहले इसको सामान का बेचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो आंटी आपसे अच्छा लगा आपसे बात करके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम आपको फिर से जरूरत पड़ेगा तो हम आएंगे आपके पास जरूर, बट अभी तो फिलहाल चलते हैं। ओके तो मुझे जाना है बर्गर शॉप, यस। अरे अरे ग्लाइडिंग कर रहा हूँ मैं, चलो ठीक है बच के। इतना भी शॉर्टकट नहीं मारना था। एक हुआ हिरन दिख रहा है मुझे, छोड़ो हिरन का भी नहीं मारूंगा मैं। ओके वहाँ पे एक लोमड़ी दिख रहा है, मेरा 5 हो चुका है तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ हमेशा, गाड़ी बंद नहीं करना है मुझे। अरे कितना दूर चला गया। चलो 1.3 चल रहा है एग चिकन कॉक्ट का। ओके तो मैं अंडा बेचूँ? नहीं अंडा नहीं बेचेंगे, पॉक चॉप बेच देते हैं 300, और वाइल्ड मीट बेच देते हैं। ठीक है भाई चलो अंडा नहीं बेचेंगे, बाकी हम सब बेच दिए। चलो कितना पैसा हो गया मेरे पास, 1655, लेट्स गो। अब हमारे पास अभी पॉक चॉप और भी है, और सबसे अच्छी बात है अभी मेरे पास वो भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी हमें शायद पैसा मिलेगा या कुछ तो मिलेगा, लेट्स गो। उसके पास से भी होके आते हैं पहले, उसके बाद फिर से अपना घर वाला जो मैंने पिग मारा था उसको भी बेचना है मुझे, तो देखते हैं। पहले तो चलेंगे उसके पास हम। यार बहुत खतरनाक जगह पर रहता है वो, यार देख रहा है इतना खतरनाक जगह से होके जाना पड़ता है इसको। सीधा एक रास्ता बना देता ऊपर, और रहना इसको हंटर में सबसे ऊपर रहना है भाई। ठीक है भाई क्या कर सकते हैं, इसका जॉब एक्सेप्ट किए तो इसका जॉब तो कंप्लीट भी कर दिया मैंने, अब बस उसका सामान जाके देना है। लो घर के उल्टा साइड से हम लोग आए, बट कोई बात नहीं। ए रुक जा गड़क मत जाना। ओए यहाँ तो मेरा घर दिखता है, ये तो बड़ा मस्त लोकेशन पर रहता है भाई। चलो देखते हैं हंटर भाई, लो तुम्हारा भी कार हमने कर दिया, आई किल्ड। एंटर। ओके हंट। ओके इसने राइफल दिया, और इसमें अच्छा है तू को लॉन्ग नेक, और अच्छा होगा भाई। ठीक है मेरे पास 2 गन आ गया, और इसके पास क्या है? ओके चलो इससे और नहीं हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हमें गन मिल गया अभी फिलहाल इसके पास, अब इसके बाद दोबारा नहीं आने वाले हम, बहुत मेहनत करवाता है यार ये तो। ओके यहाँ से मेरा डायरेक्ट घर दिखता है, मैं डायरेक्ट घर जाऊँगा। हट जाओ रे, हटो हटो हटो, पलटा दिया मैंने पलटा दिया भाई इसका गाड़ी। ऑलराइट मैं आया हूँ तो एक काम करता हूँ, अबे यार गैस भी भरना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे आए तो कुछ देखते हैं खरीदने के लिए, कुछ है क्या मेरे पास? लेट्स सी, नहीं बेचना नहीं है भाई, बाय। ओके तो मैं बाय अब बहुत सारा चीज़ कर सकता हूँ। हम लोग मेरे पास है टोटल 1655 रुपये, अगर एक काव खरीदेंगे अभी तो काव 2, हाँ वो मिल के देता है ना हमारा, वो काम तो हो जाएगा, बट अभी काव का मैं नहीं करने वाला हूँ फिलहाल, तो खाने का बोरा लेके चलते हैं, 4 बोरा। ओके और कुछ लेना है क्या? छोड़ो और अभी हमको कुछ नहीं लेना है फिलहाल के लिए, हम फिलहाल के लिए भी सिर्फ खाना का बोरा लिए 4, और चारों बोरों का रखना भी तो ट्रिक से है, रुक जा पल इसको सही से रखना पड़ेगा तभी चारों बोरा रखेगा, गुड। आ जाओ 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा, एंड फाइनली 4 बोरा। मुझे तेल भराना पड़ेगा, कोई बात नहीं घर जाके तेल भरा देंगे, फिलहाल हम तो घर जा रहे हैं अपना। ओके मैं अपना घर आ चुका हूँ, लेट्स गो। मैंने खाना इतना क्यों लेके रखा जानता है, मैं नहीं चाहता कि आगे जाके मुझे प्रॉब्लम हो, इसीलिए कि खाने की कमी नहीं होना चाहिए कभी भी, अगर खाना ख़त्म हो जाएगा तो टेंशन है। ओके तो सबसे पहले मैं तो जाऊंगा अंदर, और ये जो है ना टूटा हुआ अभी बीफ मेरे पास बहुत सारा है, एक को मारने पर इतना सारा मिला है भाई, इसको
खाना मेरे पास बहुत सारा हो गया, इसको रख देते हैं फिलहाल, अभी नीचे रखो, और अंडे वाला को भी रख देते हैं यहाँ पे। और किसी ने बोला था कि अंडा मत उठाओ, उससे बच्चे हो सकते हैं, तो मैं अब अंडा नहीं निकाल, अभी सही में बच्चा हुआ। एक मिनट, लोग खाना चाहिए होगा, खाना नहीं मेरे पास, देखा इसलिए मैंने खाना लेके आया था। एक चूजा बच्चा हुआ, वहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे दिख रहा है, देखो 3000 दिख रहा है। चलो मुर्गी प्रोडक्शन भी मेरा बढ़ रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं, बढ़ तो रहा है। पहले इसको निकालो, बैग को यहाँ पर रख दो, सारे बैग को अंदर रख देता हूँ गैराज के अंदर में, मेरे पास गैराज है तो गैराज का उपयोग कुछ तो करना पड़ेगा, लोग यूज करते भी नहीं है गैराज को उतना। ओके जेरी कैन को भी ले चलते हैं, क्योंकि जेरी कैन मेरा खाली हो चुका है। ओके एंड चलो पॉक चॉप को भी लेके चलते हैं, क्योंकि कहीं भी हम लोग किसी को मारना पड़ सकता है इसीलिए। और एक खाना मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 5 हो गया था, 12 कर दिया है, पानी 15 है, पानी अभी टेंशन नहीं है, पर खाने का टेंशन अभी है। ए हट रे, 19 खाना डाल दिया, आई गेस ठीक है, इनाफ है मेरे लिए अभी फिलहाल। और चलो इसके अंदर वाला काम हो जाएगा तो हम लोग इसके अंदर पिक को बड़ा कर सकते हैं, तो पिक इसके अंदर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट इसके लिए हमें 16 16 32 वुड प्लैंक चाहिए होगा, तो मेरे पास 32 तो है नहीं है फिलहाल अभी, कितना है 8 है भाई, और 8 नहीं है, चलो 12 है मेरे पास और मुझे 32 चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं, पहले गैस भरा लेते हैं क्योंकि गैस बहुत कम है, उसके बाद साथ ही साथ हम लोग मार्केट भी जाएंगे अब, तो पहले गैस भराने के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्टेशन। और चल भाई गैस भराने चलते हैं, खाना पानी दे दिए इन लोग का, पानी नहीं दिए खाली खाना दिया है, बट हाँ इतना भी काफ़ी है। ये कौन सा रास्ता से मैं पकड़ता हूँ हमेशा गलत, अरे इस तरह मोड़ देता है ना मुझे कि पूछो मत, अगर उसने मुझे टकराया भी तो ठीक है, चलो लोकेश उधर ही तो मुँह करो भाई, तोड़ता है तो अलग तरफ मुँह कर देता है मेरा। और भाई जितने बंदे देख रहे वीडियो को यार प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना प्यारा सा, अगर यहाँ पर देख रहे हो तो, ओके ना। और हाँ हम लोग आ चुके हैं गैस भराने के लिए, गुड। अभी इधर वाले टूट गए, कभी इधर टूटता है कभी उधर टूटता है, क्या चल भाई पैसा दे, कितना पैसा हम भर जाएगा टंकी। ऑलराइट ओके 26 में फ्यूल हो जाता है फुल, कोई बात नहीं, एंड इसको भी भर देते हैं, कितना टोटल कटा मुझे देखना है। ओके 54, टोटल 54 रुपया मेरा घटा, कोई बात नहीं। चलो जेरी कैन अगर फुल हो चुका है, अब हमारा पेट्रोल भी फुल हो चुका है, तो चलते हैं हम डायरेक्ट हमें मार्केट की, और मार्केट में हमें क्या करना था, हाँ वुड प्लैंक लेके आना था, वुड प्लैंक लेके आना था, मैं मशीन कटर वाला लेने वाला हूँ और उससे बहुत सारे पेड़ काटूंगा और बेचूंगा, क्योंकि वो पेड़ तो ज़्यादा जल्दी जल्दी प्लैंक बनाएगा ना पहले वाले से, तो हाँ क्यों ना, पहले तो ये बेचने दो मेरे पास जो पॉक चॉप है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा है बट कोई बात नहीं, सस्ता है महंगा भी नहीं। ऑलराइट 1.3 का, अब ऐसे भी यहाँ पे कुछ है नहीं प्राइस, तो बेचना चाहिए अभी नहीं बेचना चाहिए मैं सोच रहा हूँ, ओके अभी नहीं बेचते क्योंकि प्राइस तो है ही नहीं कुछ, जब पॉक चॉप पे रहेगा तब हम लोग बेचेंगे, फिलहाल के लिए नहीं, ओके ना। तो हाँ चलो, और हार्डवेयर से हम लोग लेके आते हैं कुछ सामान, जैसे कि ऑटोमेटिक फीडर वाला बनाने के लिए हमें बहुत सारा मेटल चाहिए ना, मेटल और कॉन्क्रीट चाहिए, और मेटल कॉन्क्रीट बहुत महंगा है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, वुड हम लोग तोड़ के काट के उसको बेचेंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, अगर वैसा किए तो, बट कंफर्म नहीं, देखते कितना पैसा मिलता है। लेट्स सी, आ चुके हैं मार्केट, अब देखते हैं यहाँ पे कितना भाड़ा ले रहा है भाई पैसा। ओके कॉन्क्रीट बैग अगर मैं 50 केजी लेता हूँ तो 250 रुपया लेता है, अब चीप टेबल सो लिया था मैंने, को लेना है ये वाला जो कि खतरनाक है, और 1400 मेरे पास है तो मेरे को लग रहा है ये ले लेना चाहिए एक, ओके ना एड काट कर दिया मैंने, और साथ ही साथ ये ट्रॉली या मीट बैग कूलर का जरूरत पड़ेगा मुझे लग रहा है एक,
क्या लेना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो फ्लैंक ले लेते हैं, 8-1 देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 32-64 ही चाहिए था ना मुझे, 16-32 चाहिए था मुझे। और ये $32 प्राइस है, ये 8-8-16 दिया, 16-32 आप कर सकते हैं चेकआउट। ओके तो मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ, 600 भी बचा हुआ मेरे पास, और अंधेरा हो चुका है। कोई बात नहीं, हमें कोई सेटलमेंट करना पड़ेगा, ये भी तो बहुत खतरनाक है भाई। ओके इसको रखो, बूट को अच्छा से रखना पड़ेगा पहले तो मुझे। ओके मशीन बाद में, पहले वुड रखते हैं सारा। ओके आ जा भाई, एंड लास्ट में मशीन को भी रखना ऊपर, मशीन तो यहाँ भी रखा जाएगा, गुड। चलो लाइट चला लेते हैं, अब चलते हैं घर की ओर। अच्छा खासा शॉपिंग कर लिया है, बट इतना शॉपिंग करना वर्थ भी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं ना, तो हाँ मुझे कभी ना कभी तो लेना ही था ये वाला, तो अभी ले लिया, कोई बात नहीं। अरे इधर तो मेरा घर है ही नहीं, मैं घर उल्टा साइड जा रहा हूँ, मेरा घर इधर है। मुझे मुझे लोमड़ी दिखा भागते हुए, छोड़ो लोमड़ी पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग घर चलते हैं, रात हो गया बहुत सारा। अभी देखो और एक हिरन है, बस को दोनों को मार के इन लोग का मीट ले लेते हैं। यार कैसे ले मीट को, इसको रखना पड़ेगा नहीं यहाँ पे पहले, लेट्स गो। और एक हीरा हिरन भी मिल चुका है मुझे, देखो इसे अभी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा का बहुत जरूरत है इसीलिए, और कुछ नहीं। ओके चलो भाई थोड़ा सा रुक जा भाई, थोड़ा सबर कर ले, जंगल से जाएगा अपन कसम से हमेशा। एक मिनट, मैंने जो मीट वहाँ पे छोड़ा था क्या वो मीट अभी भी यहाँ पे है, लेट्स गो। ये मीट याद है मैंने फर्स्ट एपिसोड में मारा था, फर्स्ट या सेकंड पता नहीं किसी एपिसोड में मारा था मैंने, सेकंड एपिसोड था शायद, और अभी तक ये हमारे पास है। मतलब यहाँ डिस्पॉन होने वाला कोई चीज़ नहीं है, तो बात अच्छा है भाई, नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं। चलो। ओके सफले गाड़ी उतरो और पहले सो जाओ, सुबह हो जाओ गुड मॉर्निंग के साथ। लेट्स गो, गुड मॉर्निंग हो चुका है, पहले तो मैं अपना लाइट बंद करूँगा एंड गाड़ी का भी लाइट बंद करूँगा मैं, और चलो इधर रहे। तो पहले तो ये मशीन को मैं चेक करने वाला हूँ कि ये मशीन कितना खतरनाक है, तो इसको चेक करने के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ इसको। ये खतरनाक तो दिखता है पर इसके लिए मोटर चाहिए होता है और इसके लिए तेल चाहिए होगा, और तेल के लिए ये चल दो, मशीन बंद कर दो। ओके तेल वाला डब्बा यहीं पे रख देते हैं बगल में, ओके जरूरत पड़ सकता है। और आखिरी बार फ्लैंक, और फ्लैंक मुझे अभी से निकालना नहीं था, क्यों, क्योंकि ये जाएगा मेरा उसके अंदर में। ओके दो भाई, अरे यार अपना ही जगह छोड़ के नहीं रखा है मैंने, अंदर घुसूंगा क्या मैं, अरे हाँ घुस जाता। ओके एक बन चुका है, आ जा भाई और एक बन जाएगा, खाने और पानी दोनों का हो जाएगा व्यवस्था, क्यों फेंक रहा हूँ। ओके ये दोनों बन चुका है, बट इसके अंदर मुझे मेन चीज़ जो है ना इस पर काम करना है, और इसके लिए मुझे कॉन्क्रीट 50 चाहिए और मेटल चाहिए 125। ओके ये और ये दोनों पता नहीं, ये इसके लिए 150 मेटल और इसके लिए 125 मेटल, 275 मेटल चाहिए मुझे और कॉन्क्रीट 50, कोई बात नहीं। अभी मेरे पास ये आ गया मशीन, तो इस मशीन से मैं बहुत सारा वुड तोड़ता हूँ और देखते हैं हम लोग कितना जल्दी इसमें काम होता है। बट उससे पहले मैं देखना चाहूँगा मेरा पिक फार्म कैसा चल रहा है भाई। ओके ये
मोटा आदमी बच्चा देगा नहीं देगा, बच्चा देगा ये बड़ा होगा तब 17-15। ठीक है पानी भी ठीक है, लेट्स गो। तो मुझे बहुत सारा वुड चाहिए, तो मैं अब बहुत सारा वुड तोड़ के लेके आता हूँ जा। और वुड तोड़ के लेके आने के लिए मैं गाड़ी का उपयोग करने वाला हूँ। खलाल के पानी के बॉक्स को यहाँ पर रख देते हैं, ये साइड इलाका पूरा साफ करते हैं। रुक जा, पूरा ये सब जो पेड़ा का इलाका है ना, देखते हैं कितना हमें वुड मिल पाता है। लेट्स सी। चलो भाई ओके, यार इसके ऊपर हम ज़्यादा वुड लगा नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसी पे लग रहा है किसी पे नहीं लग रहा है। ओके जैसा भी लग रहा है लगा रहा हूँ मैं। ओके ठीक है भाई, और साथ ही साथ इसे भी हटाते जा रहा हूँ मैं। ओके गाइस, तो इतना वुड हम लेके जा नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं पहले इतना लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो भाई पहले तो इसको लेके चलते हैं और नया चेनसो जो लाए हैं उसका उपयोग करते हैं। एक तुम भाई गाड़ी के नाम पे क्या दिया है पता नहीं। ओके गाड़ी खड़ा कर दिया, एक काम करते हैं इसको भी बगल में ही लगा देते हैं, दोनों एक साथ काम करें। अबे ये तो पुराना वाला है, पुराना वाला हम लोग लगाएंगे ये साइड और नया वाला लगाएंगे इधर। पता नहीं किधर से कटता है ये, जो मशीन इसका उल्टा साइड है। ऑन ऑन, लो भाई लो भाई। हाँ ये फास्ट तो है भाई, एक तोड़ते तोड़ते देखो इसने दूसरा तोड़ दिया भाई। और राइट बहुत फास्ट है ये, बट इसमें जो तेल डाले इसको भी तो उपयोग करना है। ये बहुत फास्ट है भाई, उसका एक तोड़ते तोड़ते ये तीन तोड़ दे रहा है। ये एडवांस वाला तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, देख रहा है कितना रुकना पड़ता था उसमें, इसमें रुकना नहीं पड़ रहा है। ये फास्ट है भाई, ये वुड प्लैंक करने के लिए फास्ट तो है, इससे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। चलो एक जरिया तो मुझे, हमारी तेल कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहा है भाई, इसके थ्रू तो हो जा रहा है बट ठीक है। चलो और एक थोड़ा मेरे पास वुड है वो भी लेके आते हैं जो पे वहाँ पड़ा हुआ है। ये एक के ऊपर एक ही लगाता हूँ पहले तो मैं एक के ऊपर एक, कोई बात नहीं हम नीचे लगाते हैं अब। ओके सारे वुड यहाँ से ले लिया मैंने, चलो भाई चलो। ओके सारे वुड का प्लैंक बना के रख लेते हैं, मुझे पता है मैं बेचूंगा नहीं, मैं रख लेता हूँ, पता नहीं मुझे काम देगा हो सकता है, बट हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है यार। ये पिक कितना जल्दी बड़े होंगे उतना जल्दी मेरा फ़ायदा होगा, पिक बड़े ही नहीं हो रहे भाई। ये लास्ट है, इसका मशीन बंद कर देते हैं, इसे चलने देते हैं। इतने सारे प्लैंक मेरे पास आ चुका है जो कि इन फ्यूचर हम लोग बिल्ड करेंगे कुछ भी तो हमारा काम आ जाएगा, ओके ना। बट फिलहाल के लिए तो ये नहीं चाहिए, और मीट वाला बॉक्स लेके चलते हैं हम लोग और इसको रख देते हैं। और हमें खाने के लिए देखते हैं पिग कितना बड़ा हुआ। अभी पिग के बच्चे बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, खाली पोटी किए जा रहे हैं कि थोड़े बहुत बच्चे हुए बड़े हुए रहे हुए। और खाना इन लोग का 15 है, इन लोग पता है मुझे खाना इन लोग बहुत खाने वाला है, तो हाँ एक थोड़ा भी मिस नहीं करने चाहता हूँ कि मर जाइए। मैं हमेशा खाना लेके आऊँगा, इन लोग खाना दूंगा मैं। ओके 21 का 21 मैंने फुल कर दिया है, अभी तो मज़ा आएगा ना बड़े। ओके तो एक फीमेल मेरा ये है, मैंने उससे उस फीमेल को मार दिया था जो कि मुझे नहीं लगा मारना चाहिए था उसको, बट पता नहीं ठीक है। ओके ना मार दिया तो मार दिया, ये मोटा गेंडा कब तक देगा बच्चा, पता बच्चा नहीं देगा ये, पता नहीं इसको रखना भी चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए। ओके ठीक है, और हमारे चिकन कैसा क्या हाल है देखते हैं। ओके चिकन उसने अंडा तो ढेर सारा दिया है, अंडा मैं रखूं या ना रखूं, इतना प्यारा लग रहा छोटा सा बच्चा बट ये मर जाएगा अगर बाहर में इसको रखूँ तो इसको अंदर में ही रखते हैं हम लोग। चलो अंदर में रख,
पानी, ओके हाँ मैं एक काम करता हूँ पानी डाल देता हूँ, पीक वाले में पानी नहीं है। ओए निकल मत निकल मत, ओए ए, ए निकल मत। चलो कुआं से मैं पानी डाल के निकाल देता हूँ थोड़ा सा। आ जा भाई कुआं, कुआं पानी, इतना मेहनत करना पड़ेगा। चलो 20 का 20 पानी भर दिया, और बाल्टी में थोड़ा पानी है तो मुर्गा मुर्गी के लिए रख देते हैं, ये कितना ही खाएगा मुर्गा मुर्गी। इन लोगों को पानी अंदर भरना पड़ेगा क्या? वैसे पानी सबको फूल है, खाना भी सबको फूल है। अरे हाँ मुर्गी का हम लोग बड़ा फार्म बना सकते थे ना, एक मिनट चेक करते हैं। ओके तो मैंने ये बनाया था मीडियम वाला, ये रहा तो मीडियम के लिए 20 वुड प्लैंक चाहिए और 7 मेटल, भाई मेटल मौसम। ओके तो ये वाला पहले बनाते हैं, इससे बड़ा वाला इधर बगल में ही बना देंगे हम लोग। ये तो ये कैसा काम करता है पता नहीं मुझे, बट इसे बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारा वुड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 20 वुड देना पड़ेगा, ठीक है आ जा भाई। मस्ती को यहाँ रखो, ओके पहले सो जाते दिन कर लेते हैं, बड़ा जल्दी इधर रात हो रहा भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ कि रात हो जा रहा तुरंत। ओके एंड किधर गया किधर गया, अब ये प्रोडक्ट्स भी वाला बन जाएगा मस्त एकदम। आ जा भाई, ओके 20 हो चुका है, बट प्रॉब्लम ये कि मेरे पास मेटल कितना है, 5 मेटल है, इसके लिए कितना मेटल चाहिए? ओके 5, 6, 7 और 2 मेटल चाहिए होगा। एक काम करता हूँ मैं पहले तो इसको साइड करता हूँ सबको। ओके अब चलते हैं मेटल लेके आते हैं, और हाँ मेटल लेके आते हैं प्लस इसको बेच के भी आते हैं। चलो भाई मेटल आई गेस, हाँ मेटल मुझे मिलेगा कहाँ पे मुझे पता है। चलो 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 मेटल मिलेगा यहाँ पे गैराज वाले शोरूम पे, बट यहाँ पे घुसने में थोड़ा गाड़ी का हालत ख़राब हो जाता है मेरा, जाओ जहाँ जाना है। ओके तो मुझे मेटल चाहिए, उधर मेटल कितना चाहिए था मेरे पास? 600 है, 500 में 50 मेटल आएगा, 50 मेटल से काम नहीं होगा वहाँ पे, मुझे 125 चाहिए मेटल, तो वो बनाने से रहा तो फिलहाल के लिए मैं अभी एक ही लेता हूँ, और हाँ एक ही लेते हैं दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मिल्क भी ले सकते हैं, मिल्क के बकेट, बट इसके लिए गाय खरीदना पड़ेगा ना, गाय तो मैंने खरीदा ही नहीं तो मिल्क लेने का फ़ायदा क्या होगा। आ जा भाई मेटल किधर है, एक मिनट मैं बाय नहीं किया हूँ भाई, खाली ऐड टू कार्ड कर लिया बाकी छोड़ दिया, बाय भी तो करना पड़ेगा एक आउट। चलो अब हुआ, चल भाई ये रहा मेरा मेटल, थैंक यू। एक मिनट मैंने अपना एक मीट फेंक दिया भाई, वाह फंस गया गाड़ी मेरा। अरे क्या कर रहा हूँ मीट बार बार मैं फेंक क्यों रहा हूँ, उधर तो धकेलना पड़ेगा। हाँ अब हो गया, ओके मुझे मैं जा रहा हूँ बर्गर शॉप में जहाँ पे मैं अपना मीट बेच सकता हूँ अगर ऑफर चल रहा होगा तो, ताकि 2 दिन से देखा ऑफर नहीं चल रहा है तो अभी देखते हैं ऑफर चल रहा है कि नहीं। ओके चिकन मिल्क, चिकन सॉसेज, चिकन मिल्क और चिकन में चल रहा है, मैं अभी भी बेच नहीं सकता इसको, क्यों भाई फ्री का माल थोड़ी है कि बेच दूँ मैं। चलो भाई घर चलो, क्योंकि मेरा मुर्गी का फार्म भी तैयार हो जाएगा, और हम लोग मुर्गी फार्म अगर तैयार कर सकते हैं हम लोग तो जा सकते हैं फिर जनरल शॉप में और बहुत सारा चिकन लेके आएंगे, मुर्गी 2 मुर्गी लेके आते और चल उसके बाद हम लोग चिकन बेच सकते हैं। तेरे को थक्का मार दिया मैंने भाई, ठीक रहा। हेलो मैडम, तेरा तो मजे है भाई बैठे बैठे कमा रही हो, ठीक है तो मुझे चाहिए और 2 मुर्गी, एक और एक मुर्गा, मुझे काव में खरीद नहीं सकता हूँ बहुत महंगा है यार, क्यों 650 का एक है ले नहीं सकता मैं, सेल करने का मैं सेल तो कर सकता हूँ पोर्क चॉप, 300 रुपया मिलेगा 300 रुपया और 150, तो हम लोग एक गाय खरीद सकते हैं, मगर गाय खरीदने का भी पैसा नहीं है मेरे पास, तो बाय पे जाते हैं और हम लोग मुर्गी ही खरीदते हैं बस, एक मुर्गी एक मुर्गा। चलो भाई आ जा भाई, मुर्गा मुर्गी
एक सामान पहले तुम लोग को रखना पड़ेगा। सबसे पहले आ जा मुर्गा। ओ मुर्गी, अबे मैं तीन मुर्गी खरीद, दो मुर्गी खरीद लिया भाई, मुझे एक ही खरीदना था। चलो कोई बात नहीं, काम देगा मेरा ये। जितना ज़्यादा मुर्गी रहेगा उतना ज़्यादा मुर्गा आएगा, बच्चा आएगा, उसके बाद हम लोग अंडे का बिजनेस कर सकते हैं। चल भाई सीधा जाना है मुझे अपना घर। चलो चलो ठीक है ठीक है, गिरना नहीं चाहिए बस। पहले उतरते हैं, हाँ पहले लोहा लेते हैं और ये बन के तैयार, और मेटल रख देता मैं इसके घर में। आ जा भाई, मेटल बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर कैसे डालते हैं? ओके मुर्गी ऐसे डालना होता है। आ जा भाई, और राइट, और एक मुर्गी। अब इसको डालेंगे कैसे फिर? तो जरूर जरूर, और एक मुर्गी है। पानी अगर बाहर भी रख दो तो इन लोगों का काम चल जाएगा ना? हाँ काम चल जाएगा, अगर नहीं चला तो भी एक काम करता ना, यहाँ से ये सब हटा ही देता हूँ मैं। बट इसमें अभी खाद है यार, क्या करूँ मैं? ये इसमें दो बच्चे, अरे रे, चलो रहने देते हैं। बट इन लोग खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा ये मुर्गी। चलो एक काम करते हैं, एक फेक ले लेते हैं। पानी तो इन लोग कम चाहिए होता है ना। चलो खाना डाल दिया, एक काम करते हैं, इन लोग का बच्चा ठो जो है ना, और निकल जाए निकल, हाँ निकलो निकलो, गुड, चल अंदर जा। अरे इधर आ, इधर इधर आ, लेट्स गो। अब यहाँ पे डाल दिया, पानी भी है खाने का भी है, दोनों ठीक है। और पोक चॉप मेरे पास भी, मीट भी है और मेरे पास वुड भी है। चलो एक बार खाना इन लोग का भी देख लेते हैं कैसा सीन है। ये मोटा तो गया, प्रेग्नेंट तो हो गया लग रहा है। हाँ हो गया है खाना भाई, 9 बचा है, देख रहा है? लोग दबा के खा रहा है भाई, दबा के खा रहा है। इसलिए मुझे वो बनाना पड़ेगा यार, इसके लिए मुझे चाहिए चाहिए वो। चलो एक बैग और ले आते हैं, हमको जाके फिर से लेके आना पड़ेगा बैग एक। कफट कोई बात नहीं बेटा, खाओ जितना खाओगे मेरे लिए अच्छा है, खाओ तुम लोग। ऑल राइट गाइस, तो हाँ ये वीडियो को भी यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूँ लोगों को मज़ा आया होगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हमने इसको बनाना अभी बाकी है, और मेरा चिकन का और एक घर बना लिया है। और आगे जाके किसी ने मुझे बोला था कि काव का भी एक चीज़ बना के बेचो वगैरह वगैरह, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बट मेरे को उतना भी जानकारी नहीं है और उतना मेरे पास अभी पैसा भी नहीं कि हम लोग गाय गोरू खरीद सकते हैं। बट हाँ हम लोग जरूर करने वाले हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड टाटा।